हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल. और टुडे इज़ सैटरडे. कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन थी, सो दैट्स वाई कुछ दिक्कत हो गई थी. तो चलिए आज देख लेते हैं. आज सैटरडे है और आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म देखते हैं. और हमने एरिस्टोटल एंड प्लेटो को देख लिया है. अब जो है हम दूसरा जो दूसरे क्रिटिक जिनको हमें देखना है वो है होरेस. और ये रोमन क्रिटिक्स ये लोग हैं. ये जो हम जिनको शुरू कर रहे हैं ये रोमन क्रिटिक हैं. और इससे पहले जिनको हमने पढ़ा, मतलब एरिस्टोटल एंड अगर प्लेटो की बात करें तो वो ग्रीक क्रिटिक्स थे. तो चलिए शुरू करते हैं होरेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसी में इनकी थ्योरीज भी देख लेंगे. तो सबसे पहले अगर हम होरेस को बोले तो ये एक रोमन क्रिटिक हैं. और होरेस की जो आर्क्स पोइटिका है उसको आर्ट ऑफ पोइट्री भी कहते हैं. होरेस का जो आर्क्स पोइटिका है इज एन एपिस्टल और वर्स लेटर टू हिज फ्रेंड पिसॉस. सो ये पिसॉस जो है इनके फ्रेंड हैं, उनको इन्होंने वर्स लेटर लिखा था जिसको आर्क पोइटिका भी कहा जाता है. आर्क पोइटिका मीन्स अ ट्रीटीज ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री. फिर बेन जॉनसन ने इसको ट्रांसलेट किया था पूरे होरेस के इस वर्क को. और होरेस का अगर हम पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है एलियस क्विंटस होरेसियस फ्लेकस. आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट ये इनका पूरा नेम है. तो जो बेन जॉनसन ने इनका वर्क ट्रांसलेट किया वो पब्लिश हुआ था 1640 में. होरेस के जो कंटेम्प्रेरी हैं उसमें वर्जिल हैं, ओविड हैं, लिवी हैं, और ये सब ऑगस्टन एज में ये लोग थे, कंटेम्प्रेरी थे ये लोग होरेस के. सो अब इंस्ट्रक्शन क्या दिया है लिटरेरी जॉनरा के लिए होरेस ने अपने आर्क पोइटिका में. उनका ऐसा मानना था कि अगर आप ड्रामा लिख रहे हो तो 5 एक्ट का ड्रामा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो वो उनका एक्ट 5 हो एट वन टाइम. अगर कोई बोल रहे हैं तो 3 स्पीकर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए. फिर इन्होंने वर्स और मतलब हेक्सामीटर कहा है यूज़ करने को वॉर पोएम्स के लिए. और ड्रामा में उन्होंने बोला है चाहे ट्रेजेडी हो चाहे कॉमेडी हो, होरेस कंसिडर्ड द आयम्बिक मीटर एज द मोस्ट सुटेबल. फिर उन्होंने बोला है कि जो सौरो है, सौरो का जो इमोशन है उसको शुड मतलब उस इमोशन को, सौरो के इमोशन को आपको आयाम में एक्सप्रेस करना चाहिए, आयाम्बिक मीटर में एक्सप्रेस करना चाहिए सौरो को. तो ये उन्होंने आर्क पोइटिका में कहा है. फिर अगर होरेस की अगर हम बात करें तो ये ऑगस्टन एज में से बिलोंग करते हैं, ग्लोरियस ऑगस्टन एज. और जो ऑगस्टन एज है ये नाम पड़ा ऑक्टेवियन ऑगस्टस के ऊपर जो कि फर्स्ट रोमन एम्परर थे. तो इन्हीं के एज में होरेस रहे. और ये और ऑगस्टन जो हैं, ऑक्टेवियन ऑगस्टस जो हैं, वो ऑगस्टस और होरेस अच्छे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे. ये किंग के बहुत अच्छे फ्रेंड थे होरेस. अब अगर बर्थ और डेथ की अगर हम बात करें तो 65 BC में इनका बर्थ होता है और 8 BC में इनका डेथ हो जाता है. एक्चुअली ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ क्वेश्चन जिस तरीके से मिलता गया है वो मैंने इसको लिखा है. तो सॉरी, ही आज का जो लेक्चर है वो क्रोनोलॉजिकल वे में नहीं है. सो सॉरी फॉर दैट. मैंने फैक्ट्स सारा इकट्ठा किया है, उस चक्कर में मैं अरेंज करना भूल गई, तो इसलिए थोड़ा हैफिजेड हो गया लेक्चर. फिर आगे देखते हैं. होरेस ने फेमस एपिस्टल टू ऑगस्टस, तो ऑगस्टस ने इनसे कंप्लेन किया कि तुमने इतना सब कुछ लिखा है, कुछ मेरे बारे में, मतलब मेरे एपिस्टल आपने नहीं लिखा. तो उस कंप्लेन के चलने, मतलब उन्होंने ऑगस्टस ने इनसे कंप्लेन किया था, ऑक्टेवियन ऑगस्टस ने इनसे कंप्लेन किया था. और उसी कंप्लेन के आंसर में होरेस ने एक फेमस एपिस्टल लिखा ऑगस्टस के ऊपर इन द सेकेंड बुक ऑफ एपिस्टल. ठीक है, तो अब इनका कुछ वर्क देख लेते हैं. वर्क इन्होंने 2 बुक सटायर के ऊपर लिखी है, बुक 1 बुक 2 करके, 4 बुक्स ओड के ऊपर लिखी है और 3 बुक्स ऑफ एपिस्टल्स लिखी है. ठीक है, तो सेकंड बुक ऑफ एपिस्टल में, मतलब जो सेकंड बुक है उसमें इन्होंने एपिस्टल ऑफ ऑगस्टस लिखा है. और जो थर्ड बुक है ऑगस्ट एपिस्टल की, तो जो लास्ट है, जो थर्ड बुक है एपिस्टल की, जिसको इन्होंने पिसॉस के ऊपर लिखा है, और उसी को जनरली कहा जाता है आर्क पोइटिका और आर्ट ऑफ पोइट्री. और ये जो टाइटल है आर्क पोइटिका या आर्ट ऑफ पोइट्री, ये टाइटल दिया था क्विंटिलियन ने. ठीक है, ये भी क्रिटिक हैं क्विंटिलियन. और इन्होंने अपने इंस्टीट्यूटो और ओरेटोरिया
में इन्होंने होरेस के थर्ड बुक ऑफ एपिस्टल को कहा आर्क पोइटिका। सो ये जो टाइटल है ये इनको क्रिटिक ने दिया था, इन क्विंटिलियन क्रिटिक का नाम है, उन्होंने दिया था इस बुक की टाइटल। अब मेन टॉपिक जो कि इन्होंने अपने बुक में, इस पर्टिकुलर बुक जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुए, जिसमें इन्होंने बात की है, वो पोइट्री के ऊपर, पोइटिक स्टाइल के ऊपर और ड्रामा के ऊपर, ये तीन चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया है। दो इम्पॉर्टेंट स्कूल पॉपुलर थे होरेस के टाइम में, जिसमें से एक स्कूल था ओल्ड लैटिन का, मतलब कुछ राइटर्स थे जो ओल्ड लैटिन को फॉलो करते थे और कुछ जो थे मॉडर्न अलेक्जेंड्रियन को फॉलो करते थे। और उस समय जो होरेस थे ये पूरी तरीके से एंशिएंट ग्रीक क्लासिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, ये इन दोनों में से किसी स्कूल को फॉलो नहीं करते थे। पोप ने इनके बारे में कहा है, हिज परसेप्ट्स टीच बट वॉट हिज वर्क इंस्पायर। ये होरेस के बारे में पोप ने अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में लिखा है। फिर होरेस ने पोइट्री का दो फंक्शन बोला है, पहला उन्होंने बोला है कि वो प्लेजर गिविंग होनी चाहिए और दूसरा कि ये मॉरली आपको इम्प्रूव करने वाली पोइट्री होनी चाहिए। तो इन्होंने पोइट्री के दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट माने हैं। फिर होरेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंशिएंट ग्रीक ट्रेडिशन जो क्लासिक्स थे, हम एंशिएंट ग्रीक क्लासिक्स थे होमर वगैरह जैसे, तो उनको ये फॉलो करते थे, उनको एक मॉडल बना के इन्होंने अपना क्रिटिसिज्म और अपना व्यू रखा है। तो अकॉर्डिंग टू होरेस उन्होंने बोला जो मॉर्नफुल एलिजी है और जो सॉन्ग्स ऑफ थैंक्स गिविंग है या एलिजेइक मेजर है, इन सब को आपको डेक्टाइल हेक्सामीटर में लिखना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आती है कि डेक्टाइल हेक्सामीटर क्या है। सो डेक्टाइलिक एक तरीके का फूट होता है। ठीक है, डेक्टाइल और डेक्टाइलिक फूट कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय टू वीक वन। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल अगर दो वीक सिलेबल को फॉलो करता है तो वो डेक्टाइलिक होता है। और हेक्सामीटर का मतलब होता है कि 6 feet या 6 units एक मेजर में। तो इस तरीके से डेक्टाइलिक, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि मॉर्नफुल एलिजी लिख रहे हैं आप, अगर सॉन्ग थैंक्स गिविंग किसी को दे रहे हैं या एलिजाइक मेजर में कुछ लिख रहे हैं, तो आपको डेक्टाइलिक हेक्सामीटर यूज़ करना चाहिए। और उन्होंने उसी तरीके से बोला कि ट्रेजेडी अगर आप लिख रहे हैं, सटायर लिख रहे हैं वर्स में, तो ये सारे मतलब ट्रेजेडी कॉमेडी और सटायरिकल वर्स अगर आप लिख रहे हैं तो इसको आयाम्बिक मीटर में यूज़ करना चाहिए। अब आयाम्बिक मीटर क्या होता है कि एन आयाम्ब और आयाम्बिक फूट कंसिस्ट टू सिलेबल्स, फर्स्ट वीक एंड अनदर स्ट्रॉन्ग। तो डेक्टाइलिक में जो होते हैं वो तीन ऐसी चीज़, मतलब कि पहला डेक्टाइलिक में पहला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सिलेबल होता है और जो उसके बाद दो आते हैं वो वीक सिलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप आयाम्ब की बात करेंगे तो आयाम्बिक फूट करता है दो सिलेबल का होता है और इसमें पहला जो होगा वो वीक होगा और दूसरा जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब होरेस ने स्टडी, अगर आप ड्रामा उनकी ड्रामेटिक स्टडी की बात करें और की बात करें तो इन्होंने बोला होरेस स्टडीज ड्रामा एंड ड्रामेटिक आर्ट अंडर 3 heads। तो इन्होंने तीन टॉपिक के अंडर ड्रामेटिक आर्ट और ड्रामा की स्टडी की है। पहला जो है वो प्लॉट है, दूसरा कैरेक्टराइजेशन है और तीसरा जो है स्टाइल है। ठीक है, प्लॉट के बारे में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने ऐसा बोला कि जो प्लॉट की लेंथ होनी चाहिए वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो उनका ऐसा मानना था कि जो प्लॉट होना चाहिए वो 5 acts का होना चाहिए, बहुत उसकी लेंथ बहुत बड़ी और बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, जो स्टोरी होनी चाहिए, वो बहुत ही फेमिलियर होनी चाहिए। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना था कि जो प्लॉट की स्टोरी होगी वो थोड़ा सा फेमिलियर सब्जेक्ट होना चाहिए, थीम जो हो वो आप चूज़ करो। तो इनका कुल मिला के कहना था कि प्लॉट शुड बी बोरोड फ्रॉम द फेमिलियर मटीरियल, प्रिफरबली इन्होंने प्रिफर किया है ग्रीक लेजेंड्स को, इन विच द स्टोरी बिगिन ऑलरेडी नोन। ठीक है, स्टोरी जिसमें जो ग्रीक, अगर आप ग्रीक लेजेंड्स की बात करते हो तो उसमें स्टोरी सबको पता होती है, तो ऑथर कुड डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ और आप उसमें कुछ अलग से ट्रीटमेंट करके कुछ न्यू उसमें रिफ्रेशिंग बना लीजिए। तो उनका कुल मिला के जब भी आप होरेस को पढ़ोगे तो ये हमेशा आपको एंशिएंट ग्रीक जो क्लासिक्स हुए हैं उनको या उनकी जो माइथोलॉजीज हैं या वहाँ से स्टोरी इन्होंने पिक करने को बोला है। तो प्लॉट के लिए इनको इन्होंने ये बोला है। फिर इन्होंने ट्रेजेडी में एक चीज़ बोली प्लॉट से रिलेटेड कि एज ट्रेजेडी कंस्ट्रक्ट
ऑन ग्रीक मॉडल, अगर कोई ट्रेजेडी ग्रीक मॉडल पे कंस्ट्रक्ट हो रही है तो हैड हैव टू अ कोरस, मतलब उसमें उन्होंने बोला कि कोरस का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला होरेस ले डाउन टू कंडीशन फॉर इट, कोरस के लिए उन्होंने दो कंडीशन रखे हैं। पहला दैट इट शुड बी फॉर्म अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द यूनिटी ऑफ एक्शन बाई हैंगिंग लाइक अ लूज थ्रेड, एंड दैट दिस कमेंट्स शुड बी डायरेक्ट to a noble end. तो इनका ऐसा मानना था कि जो कोरस होना चाहिए, जो उसमें कोरस मतलब होता है बैंड ऑफ सिंगर और डांसर इस तरीके से, तो उनका ऐसा मानना था कि इनका काम होना चाहिए कि वो स्टोरी का जो प्लॉट है वो काफ़ी कनेक्टेड हो, वो ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती डाला गया है, और उसका जो है एक नोबल एंड तक पहुँचाना उसका काम हो। तो ये उन्होंने प्लॉट के लिए बोला। कैरेक्टर के लिए भी इन्होंने यही चीज़ बोली कि जो लेजेंड से या फिर जो कैरेक्टर होना चाहिए प्लॉट का वो बेसिकली एंशिएंट ग्रीक लेजेंड से लो, और या इन्वेंट न्यू कैरेक्टर्स जिस तरीके से आप चाहें। और उसमें इन्होंने एक कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर चाइल्ड, मतलब उन्होंने जो कहा कि होरेस डिमांड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कैसे उन्होंने बोला कि अगर कोई चाइल्ड प्ले कर रहा है, अ चाइल्ड इन अ प्ले शुड बिहेव लाइक अ चाइल्ड, अ यंग मैन लाइक अ यंग मैन, अ मिडिल एज्ड मैन लाइक अ मिडिल एज्ड मैन, एंड एन ओल्ड मैन लाइक एन ओल्ड मैन, ठीक है। रिमेंबर दिस, ही सेज दैट सेज एट द एंड ऑफ द लेंथी डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फोर स्टेज ऑफ मेन्स लाइफ, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी एज के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना चाहिए, ठीक है, लेस्ट यू असाइन द रोल ऑफ ओल्ड एज टू यूथ और दैट मैन टू चाइल्डहुड, मतलब ये उन्होंने बोला कि जिस तरीके का आपका आउट जैसा आप दिख रहे हैं आपको उसी तरीके का रोल करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक बुज़ुर्ग आदमी को आपने मिडिल एज मैन को ओल्ड मैन एज का आपने कैरेक्टर दे दिया, तो इस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं है। उन्होंने ट्रूथ ऑफ लाइफ पे की डिमांड की है कैरेक्टर्स में, कि जो आप दिख रहे हो आप वही एक्ट करो, किसी और का एक्ट आप मत करो। तो ये उन्होंने कैरेक्टर्स के लिए बोला है। सॉरी, सॉरी, सो यस, ये उन्होंने कैरेक्टर के लिए बोला है। सॉरी, वो डिस्टर्ब हो गया स्क्रीन, कहाँ थी मैं। फिर तो जो दूसरी चीज़ उन्होंने बोली वो इन्होंने स्टाइल के लिए बोला। स्टाइल के लिए उन्होंने क्या बोला है, स्टाइल के लिए उन्होंने बोला है कि जो वही जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके का जॉनरा में किस तरीके का मीटर यूज़ होना चाहिए, क्या राइटिंग स्टाइल आपकी हो, तो ये कुल मिला के उन्होंने ये चीज़ हमारे सामने रखी है कि किस तरीके से आपका लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज के लिए उन्होंने बोला कि वो बहुत ही हम्बल लैंग्वेज हो, ट्रेजेडी में यूज़ द हम्बल लैंग्वेज ऑफ कॉमेडी टू सूट्स, मतलब जिस तरीके का आपका जॉनरा है उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके का लैंग्वेज आपको यूज़ करना चाहिए अपने वर्क में। फिर अगर स्टाइल की हम बात करें तो स्टाइल में उन्होंने काफ़ी हद तक और एरिस्टोटल को फॉलो किया है, बहुत क्लोजली एरिस्टोटल को इन्होंने देखा है। फिर सटायर के बारे में अगर हम बात करें तो सटायर में के विषय में इन्होंने आर्क पोइटिका में नहीं बात किया है, नो मेंशन ऑफ द सटायर द फॉर्म इन विच द होरेस स्पेशलाइज्ड इन आर्क पोइटिका। आर्क पोइटिका एक तरीके से इनका सटायर माना जाता है, लेकिन इन्होंने सटायर की बात इसमें कहीं नहीं की है। सटायर पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है अपने क्रिटिसिज्म ऑफ ल्यूसियस इन बुक, सॉरी यहाँ के छूट गया, इन बुक वन ऑफ सटायर, ये करेक्ट कर लीजिएगा, BOOK छूट गया है, बुक फर्स्ट ऑफ द सटायर, जो सटायर की इनकी पहली बुक है उसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म ऑफ ल्यूसियस किया है। उसी क्रिटिसिज्म ऑफ ल्यूसियस में इन्होंने सटायर के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन लिखा है। अब सटायर के बारे में इनका व्यू है क्या, उनका ऐसा मानना है कि सटायर इज़ अ विटी और अ प्लेफुल प्लेजर गिविंग, सटायर इज़ अ विटी और प्लेफुल प्लेजर गिविंग एंड नॉट स्लैंडरस और abusive, its object being the correction of foibles and not their punishment, the sin and not the sinner should be target
और अटैक टारगेट ऑफ अटैक. इनका कहने का मतलब था कि जो सटायर है एक तरीके का ऐसा फॉर्म है या ऐसा जॉनर है आप कह लो कि जिसमें बहुत ही विटी और बहुत प्लेफुल प्लेजर गिविंग तरीके से आप अपनी बात रख देते हो. इसमें कहीं भी एब्यूजिव नहीं होना चाहिए सटायर, और बहुत ही स्लैंडरस नहीं होना चाहिए, बहुत ही विटी होना चाहिए, बहुत ही प्लेजर गिविंग होना चाहिए. और इसका काम, सटायर का जो वर्क होता है वो किसी गलत चीज़ को पनिश करना नहीं होता, उसका करेक्शन होता है. ठीक है, इस ये जो है ये गलत चीज़ों को करेक्ट करता है, ये उसको पनिश करने का काम नहीं करता. तो जो सटायर है उसमें जो सिन है उस पर आप क्रिटिसिज्म करोगे, ना कि सिनर के ऊपर. तो जो अटैक होता है टारगेट, उसका सिन होना चाहिए, सिनर नहीं होना चाहिए. तो दैट इज़ सटायर According to Horace. और ये जो है ये 25 points है होरेस के बारे में, कुछ important ये facts है. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ इसमें डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कुछ अगर आपको इसमें डाउट रह गया. वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको मैं उनका थीम, उनका जो जिस्ट है उनके वर्क का, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ. सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और वही जो हर बार बोलते हैं, आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.